नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में खरपतवार नियंत्रण की और इन सभी खरपतवारों को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। हमें कौन सी खरपतवार नाशक दवा लेनी है जिससे गेहूं में खरपतवार भी नष्ट हो जाए और गेहूं की फसल भी पीली ना पड़े, ना ही हमारी गेहूं की फसल की वृद्धि पर कोई हानिकारक प्रभाव पड़े। गेहूं की फसल में दो प्रकार के खरपतवार होते हैं, एक तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और दूसरे संकरी पत्ती वाले खरपतवार। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे बथुआ, सेंजी, दूधी, कर्षणील, सत्यानाशी, हिरणपुरी। संकरी पत्ती वाले खरपतवार जैसे मोथा, कांस, जंगली जई। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2,4-D-डाइमिथाइल एमाइन 400 ml को 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की बुआई के 30 से 35 दिन बाद स्प्रे करें। संकरी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए सल्फोसल्प्यूरान 13 ग्राम को 150 से 180 लीटर पानी की मात्रा में घोल बनाकर प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की बुआई के 30 से 35 दिन बाद स्प्रे करें। यदि गेहूं में संकरी पत्ती वाले खरपतवार और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार दोनों हैं तो दोनों प्रकार के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए UPL कंपनी का वेस्टा का 160 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें, क्योंकि इसमें क्लोडिनोफॉप प्रोपार्जिल 15% और मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 1% होता है जो दोनों प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण करता है। यदि गेहूं में खरपतवारों का नियंत्रण नहीं करते हैं तो गेहूं के उत्पादन में 30 से 50% की कमी आ जाती है।